स्वस्थ करने का मकसद था कि जम्मू कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जा रहा है, सारे तकरीबन मेंबर रिटायर हो चुके हैं, चेयरमैन भी रिटायर हो चुका था, नए चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कर दी गई है, IAS अफसर हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहता हूँ कि 2016-17 जब PDP BJP की सरकार आई, उससे पहले जितनी बार भी कमीशन का गठन हुआ, एक सिख मेंबर लिया जाता था, हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी। लेकिन इस सरकार में 16-17 से बाद जब भी कभी कमीशन का गठन किया गया, सिख मेंबर को नहीं लिया गया। सिखों में बहुत बड़ी रिजेंटमेंट थी। हमने जब डेपुटेशन लेके हम LG साहब से मिले, हम 15 मार्च 2021 को, तो हमने कुछ 10 डिमांड्स अपनी रखी थी, जिसमें यह डिमांड थी कि हमारा मेंबर लिया जाए। उन्होंने हमसे आश्वासन हमको अश्योर किया था कि आज जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर रिटायर होंगे, आपका एक सिख मेंबर उसमें लिया जाएगा। उसके बाद इसके अलावा हमने और कुछ डिमांड्स उनके जो सामने रखी थी, उसमें एक बड़ी थी भाई नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, जो सेंटर में था स्टेट में नहीं लग सकता था आर्टिकल 370 की वजह से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जम्मू में की जाए। तो उन्होंने वो भी कहा हम पूरी कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि माइनॉरिटी स्टेटस के जो फायदे हमारे सिख बच्चों को मिलने हैं उनसे उन्हें महरूम ना रखा जाए। उसके बाद कश्मीर में ऐसा 412 जो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, सिख बच्चों को नॉन माइग्रेंट कोटे से बाहर निकाल दिया गया, SRO 412 के अमेंडमेंट करके SRO 425 लाया। LG साहब ने मांगा, माना कि यह भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, बहुत जल्दी मैं नॉन माइग्रेंट सिख बच्चों के लिए पोस्टें निकालूंगा। लेकिन LG साहब बड़े अफसोस से कहता हूं, आज तक अभी आपने वो पोस्टें नहीं निकाली, क्योंकि यह सिख कम्युनिटी शायद आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। इसके बाद अनंत मैरिज एक्ट जो 2012 का पास हो चुका है पार्लियामेंट में, आपने मैं आश्वासन दिया था इसकी इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर में जल्दी कर दूंगा, तो इम्प्लीमेंटेशन हुई है, लेकिन रूल्स नहीं बने, उसके रूल्स बनाए जाए। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू मारा, 1989 में जम्मू में 14 सिख मारे गए थे, उनको सिर्फ 1-1 लाख दिया गया। तलवाड़ा में जो सिख मारे थे 1784 में, उनको 8.5 लाख दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ राइट्स हुए, BJP की सरकार आई, इन्होंने 5-5 लाख का चक्का और दिया, बस सबको कम से कम 8-8 लाख मिला। वायदे जम्मू के ऐसे लोग हैं, सिख जो 14 मारे गए बेकसूर, उनको 1-1 लाख दिया गया। हमने माननीय उस वक्त हमने होम मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी से उनको लेटर लिखी, पर इनके साथ बेइंसाफी हुई है। उन्होंने वो लेटर वहाँ से जम्मू रेवेन्यू सेक्रेटरी को लिखी, गवर्नर साहब को लिखी, 3 साल हम उसको फॉलो कर रहे हैं, आज तक वो लास्ट फाइनल डिस्पोजल के लिए GAD में पड़ी है। तो LG साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि 1 करोड़ का अमाउंट टोटल बनता है सरकारों के लिए, 1 करोड़ रुपया किसी कम्युनिटी के लिए हीलिंग टच करने के लिए 1 करोड़ रुपया मैटर नहीं करता। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 20-20 हज़ार करोड़ का पैकेज अनाउंस करते हैं, 1 लाख करोड़ रुपया देकर किसी कम्युनिटी की भावनाओं को समझा जा सकता तो बड़ी बात नहीं। अंत में जम्मू में कुंजवानी चौक में बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू की डिमांड पिछले 10 साल से है, हर चौक में कोई ना कोई स्टैचू लग गया, हर चौक में कहीं ना कहीं नाम रख दिया गया। हमारा हाउस में पास होने के बावजूद भी स्टैचू नहीं इंस्टॉल हो रहा। हमारा रायपुर भाइयों के साथ हमारा कविंदर